दोस्तों डेली यूज होने वाला हिंदी का इंग्लिश दोस्तों इस प्रकार है। रूसिंग को इंग्लिश में डैंड्रफ कहते हैं। नेक्स्ट है मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट है दस्त को इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। नेक्स्ट है खुजली को इंग्लिश में एक्जिमा कहते हैं। नेक्स्ट है पेट फूलना को इंग्लिश में फ्लूटनेस कहते हैं। नेक्स्ट है छाइयाँ को इंग्लिश में फ्रेकलेस कहते हैं। नेक्स्ट है सिर दर्द को इंग्लिश में हेडेज कहते हैं। नेक्स्ट है खून की उल्टी को इंग्लिश में वोमिटिंग ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट है बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। नेक्स्ट है जू को इंग्लिश में लाइस कहते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया को इंग्लिश में मलेरिया ही कहते हैं। नेक्स्ट है बेचैन को इंग्लिश में नर्वस कहते हैं। नेक्स्ट है खराटे को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं। नेक्स्ट है सुन होना को इंग्लिश में नंबनेस कहते हैं। नेक्स्ट है पाचन तंत्र को इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है चिड़चिड़ापन को इंग्लिश में पिबिनिस कहते हैं। नेक्स्ट है गर्भा अवस्था को इंग्लिश में प्रेगनेंसी कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को तो ही समाप्त कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।